आप सबको नमस्कार। चार बज चुके हैं। कल हम लोगों ने कृमि रोग के चिकित्सा के बारे में कुछ चर्चा की थी। कुछ प्रश्न उपस्थित हैं। डॉक्टर नेहा आहूजा ने वेरिकोज वेंस के ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहा है। वेरिकोज वेंस में सर्वप्रथम पंजीकृत महापंजीकृत घृत या शुद्ध गोघृत से अभ्यंतर स्नेह पान करा के विरेचन करा दें। विरेचन में कुटकी, अमलतास, त्रिव्रत, छोटी हरण, इनको 20-20 ग्राम लेकर के यवकुट करके 100 ml काढ़ा बना लें। फिर इसमें 30-40 ml कैस्टर ऑयल मिला करके विरेचन के लिए देवें। दूसरी जो महत्वपूर्ण चिकित्सा है वह है रक्तमोक्षण। जलऊ का उच्चारण इसके लिए श्रेष्ठ है, लेकिन अधिक मात्रा में हो, दोनों तरफ दोनों जंघाओं में वेरिकोस हो तो शिरावेद भी करा सकते हैं, लेकिन मेरे विचार से जलऊ का उच्चारण ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसके लगाने से रक्त तो निकलता ही है, भार कम हो जाता है, लेकिन इसमें एक हेरुडीन तत्व रहता है, वह ब्लड में पहुंच करके अब विस्फार का काम करता है, क्योंकि वेरिकोज वेंस में रिटर्न ऑफ द ब्लड कम हो जाता है, ब्लड जो है ऊपर जितना वापस होना चाहिए वो नहीं हो पाता और वेरिकोज की उत्पत्ति होती है। कई बार बहुत अधिक वेदना भी होती है, वहाँ का वर्ण परिवर्तन हो जाता है, और ये अक्सर जो ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं उन लोगों को ये होता है। तो विरेचन और जलऊ का उच्चारण इसके करने के पश्चात फिर दवाइयाँ देवें। दवाइयों में कैशोर गुग्गुलू और अमृतादि गुग्गुलू, दो दो गोली दिन में दो बार। इसके अलावा महामंजष्टादि क्वाथ 20 ml, पानी 20 ml भोजन के बाद दोनों टाइम। औषधियों में सूत शेखर रस 125 mg, शोथारी लौह 250 mg, सिलज इत्यादि लौह 250 mg, यह एक मात्रा है। ऐसी दिन में दो या तीन मात्रा शहद के साथ इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, और पेट हमेशा साफ रहे इसका ध्यान रहे। हल्का रेचक रात्रि में आप देते जाएं, ज़्यादा अच्छा है हिरण भ्रष्ट हरित की देवें आधा चम्मच, या सिर्फ हरित की चूर्ण भी आप दे सकते हैं। डॉक्टर मोबिन मुल्ला जी ने हाइपरटेंशन का कोई पेशेंट है, ट्रेमर भी है उनको, एंजाइटी भी है, लेकिन उन्होंने एज का मेंशन नहीं किया है। मुझे लगता है ये ओल्ड एज का ही रोगी है। तो जब हाइपरटेंशन होता है और ओल्ड एज होती है तो ट्रेमर्स और एंजाइटी होना बहुत स्वाभाविक है। अगर हम हाइपरटेंशन का इलाज कर देंगे तो ये ट्रेमर्स और एंजाइटी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले तो विरेचन कराएं, गोघृत या शतावरी घृत से अभ्यंतर स्नेह पान करने के पश्चात विरेचन करा दें। विरेचन बहुत ही सुविधाजनक चिकित्सा है, कोई आत्यक नहीं होते, कोई परेशानी रोगी को नहीं होती, इसलिए विरेचन करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। विरेचन करने के पश्चात इसमें शिरह तर्पण शिरोधारा इसमें ज़्यादा लाभप्रद है। शिरोधारा 11-21 दिन का कोर्स कराएं चंदन वाला लाक्षादी तेल से। धारण काल लगभग 50 मिनट तक धारण काल करें, सुखोष होता रहे तेल, ऐसी व्यवस्था करें, और बराबर पेंडुलम के ढंग से शिरोधारा होना चाहिए। इसके अलावा चूँकि ट्रेमर्स हैं, एंग्जाइटी हैं, ऐसी अवस्था में मेध रसायन क्वाथ, शंखपुष्पी, मंडूकपर्णी, गिलोय और मुलेठी, इसका क्वाथ बना करके रोगी को देवें, इससे निश्चित है रोगी को लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा एक योग है जो कि हाइपरटेंशन में
मैं हमेशा देता हूँ, उसमें 100 ग्राम शंख पुष्पी चूर्ण, 100 ग्राम गोक्षुर चूर्ण और 50 ग्राम सर्वगंधा चूर्ण, ये योग तैयार कर लें। और आधा आधा चम्मच दिन में दो बार या तीन बार जैसी आवश्यकता हो पेशेंट को दिया जा सकता है। मलमूत्र उनका पेशेंट का अच्छी तरह होना चाहिए ताकि जो प्रेशर है रक्त का वो कम होता रहे। इसके अलावा सर्पगंधा बटी, टैबलेट अबाना, इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। रीना शर्मा कौशिक, उनका पेशेंट है, 45 वर्ष की उम्र है, मेल है। इनको मीजो कॉलोन में लिम्फ नोड्स बढ़ गए हैं, इनलार्ज हो गए हैं, रेक्टम वाल की थिकनिंग भी बढ़ गई है, क्या इसमें ट्रीटमेंट हो? तो सबसे पहले तो विरेचन कराएं, पंचतिक्त घृत से आभ्यंतर स्नेह पान करने के पश्चात विरेचन कराएं, इसमें कुटकी नहीं डालें, बाकी आमलतास, निशोथ, छोटी हरड़ ये डालें, 20-30 ग्राम ले लें, काढ़ा बना लें और उसमें कैस्टर ऑयल भी मिलावें और इससे विरेचन करा दें। संसर्जन क्रम करने के पश्चात इसमें लेखन वस्ती के द्रव्यों से वस्ती देवें, इसमें त्रिफला, गिलोय, वायुविडंग और मुलैठी, इनको 30-30 ग्राम लेकर के 12 गुना जल में डाल के इसका काढ़ा बना लें 300 ml, और इसमें शतावरी घृत 50 ml, शहद 50 ml, सैंधव 5 ग्राम डाल के बस्ती बनावें, और ये बस्ती 11 दिन, 20 दिन, 21 दिन पर मिनिमम 11 डेज बस्ती जरूर दें, इससे पेशेंट को आराम होगा। लेकिन ये तुरंत ठीक होने वाला रोग नहीं है, इसमें कम से कम 3 से 4 महीना लग सकता है। योगों में शतावरी चूर्ण और मुलैठी चूर्ण, शतावरी और मुलैठी बराबर बराबर मात्रा में 1-1 चम्मच दिन में 2 बार इसका व्यक्ति सेवन करें। इसके अलावा सूत शेखर रस, चंद्रकला रस, मुक्ता प्रवाल पंचामृत, सूत शेखर 125, चंद्रकला 125 और प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम दिन में 2 या 3 बार शहद के साथ सेवन कराएं। धीरे धीरे लेने से जो लिम्फ नोड्स हैं उनकी जो सूजन है, उनका इलाजमेंट है, धीरे धीरे कम हो जाएगा। रेक्टम वाल में जो थिकनिंग है वो भी इस ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। डॉक्टर मीना बत्रा ने संधिवात के ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहा है। संधिवात के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है, निश्चित है ओल्ड एज में ज़्यादा होता है, फिर नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ता है, ऑपरेशन के लिए एडवाइस करते हैं डॉक्टर लोग। प्रारंभिक अवस्था में निश्चित रूप से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, रोगी को ठीक कर सकते हैं। आकुंचन प्रसारण वेदना होती है, उठने बैठने में तकलीफ होती है, रोगी यदि बैठा रहे तो दर्द नहीं होता है, आकुंचन प्रसारण में क्रैप्स कटकट की आवाज़ आती है, इससे आप तुरंत डायग्नोस कर सकते हैं यह संधिवात का पेशेंट है। निश्चित है यह डीजेनरेशन जन्य व्याधि है, एजिंग व्याधि है, इसलिए ये एकदम से ठीक होता नहीं है, लेकिन आप पेशेंट को आराम दे सकते हैं, थोड़ा से पेशेंट को जो तकलीफ होती है वो कम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले अभ्यंग करने के पश्चात जानुवस्ती 11 दिन और 11 दिन जानुधारा अश्वगंधा बला तेल से या सहचर या महानारायण तेल से या महामास तेल से आप जानुवस्ती और जानुधारा 11 गर्दन के कोर्स तीन कोर्स से करिए 11-11 दिन के, निश्चित रूप से आराम होगा। फॉलोड बाई पत्रपिंड श्वेद, पत्रपिंड श्वेद से जो कार्टिलेज बढ़ जाते हैं उनमें क्षय होता है,
पत्रपन्न श्वेत को मैंने कई बार आपको बताया है, ये चूँकि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, संधि बात है, तो यहाँ पर ब्रह्मण चिकित्सा करना है, तो तैल भी जो हम लेंगे वो ब्रह्मण लेंगे, नारायण तैल, महामास तैल, अश्वगंधा बला तैल, मुनुवेर्रा, लेकिन इसमें सैंधवादि तैल, विषगर्भ तैल आदि का प्रयोग संधिवात में नहीं करना है। ये ट्रीटमेंट आप लगातार देते रहें और साथ में मात्रावस्थी का भी प्रयोग करें। मात्रावस्थी महानारायण तैल की 30 ml भोजन के बाद लगातार 11 दिन या 21 दिन तक प्रयोग करें, इससे रोगी में काफ़ी आराम मिलता है। इसके अलावा लाक्षाद्य गुल, महायोग राजगु गुलू, दो दो गोली दिन में दो बार पानी के साथ। एक योग में हमेशा देता हूँ 100 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण, 50 ग्राम सुंठी चूर्ण और 25 ग्राम पिपली चूर्ण, इन तीनों को मिला लें और एक एक चम्मच दिन में दो या तीन बार दुग्ध के साथ या पानी के साथ रोगी को सेवन कराएं। इसके अलावा च्यवनप्राश या ब्राह्मी अवले एक एक चम्मच दिन में दो बार इसका सेवन करना चाहिए। औषध योगों में योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, महावाद विध्वंसन 125 मिलीग्राम और पुराल पंचामृत 250 मिलीग्राम, यह एक मात्रा है, ऐसी दो या तीन मात्रा शहद के साथ रोगी को सेवन कराएं निरंतर। ऐसा लगातार 3-4 महीना ट्रीटमेंट देंगे तो निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होगा। भारत ठोक, डॉक्टर भारत ठोक ने कष्टार्तों की चिकित्सा के बारे में पूछा है। कष्टार्तों निश्चित रूप से हार्मोनल डिसबैलेंस से ये व्याधि होती है, इसमें निरंतर दवाइयाँ देना आवश्यक है। सबसे पहले तो विरेचन करा दें, विरेचन करने से थोड़ा तकलीफ़ कम होगी जब MC होगी। ये भी देखना होगा कि ये रेगुलर है कि इरेगुलर है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आपको देखना होगा। इसके अलावा विरेचन करने के बाद आप कुमारी आसो 4 चम्मच दवाई, 4 चम्मच पानी, अच्छा होगा कि दशमूल काढ़ा भी, दशमूलारिष्ट भी मिला लें, तो दशमूलारिष्ट और कुमारी आसो 2-2 चम्मच और 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम लेना है। नेक्स्ट है रजह प्रवर्तनी बटी 2-2 गोली दिन में 3 बार दीजिए और इसमें तीक्ष्ण वस्ती दीजिए, निरूह वस्ती, उसमें कुटकी 20 ग्राम, निशोथ 20 ग्राम, एरंडमूल 20 ग्राम, मदनफल 10 ग्राम, इनका काढ़ा आप 300 ml बना लें। इसमें गोमूत्र या गोमूत्र अर्क 50 ml, शहद 50 ml और सेंधव नमक 5 ग्राम मिला के ये वस्ती देवें। एक दिन सहचर वस्ती देवें और दूसरे दिन ये शोधन वस्ती देवें। इसके 16 वस्तियों का कोर्स दे दें, इससे निश्चित रूप से कष्टार्तों में आराम होगा। इसके अलावा उत्तर वस्ती भी बहुत ही श्रेष्ठ चिकित्सा है, खासतौर से कष्टार्तों के लिए उत्तर वस्ती भी इसमें आप दे सकते हैं। स्नेह वस्ती आप फलघृत से या दशमूल तेल से देवें और निरूह वस्ती के रूप में कुटज और गंभारी फल, इसका डिकॉक्शन बना करके वस्ती देवें। इसके बारे में, मात्रा के बारे में कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। डॉक्टर सुदेश सिंह, फ्लोटर्स इन आईज, आँखों में कुछ धब्बे दिखना चालू प्रारंभ हो जाते हैं, छोटे छोटे स्पैक्स जिसको हम स्पॉट कह सकते हैं, इन द फील्ड ऑफ द विजन फील्ड में ये हो जाते हैं, इनको ही फ्लोटर्स कहा जाता है और ये जनरली एटॉकर्स इन ओल्ड एज में ज़्यादा प्राप्त होता है। दाग दिखते हैं लक्षणों में,
कभी कभी दर्द भी होता है, और एक मुख्य लक्षण होता है फोटोफोबिया, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू द लाइट, लाइट के प्रति वो बहुत हाइपर सेंसिटिव पेशेंट रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई रोगी को परेशानी नहीं होती है, लेकिन बढ़ जाने पर और भी तकलीफ़ हो सकती है। इसके स्पॉट की मात्रा बढ़ सकती है, आकार बढ़ सकता है, फोटोफोबिया भी अधिक मात्रा में हो सकता है। ऐसी अवस्था में नेत्र तर्पण, जिसको हम अक्षी तर्पण कहते हैं, वो कराएं। त्रिफला घृत से या अश्वगंधा या शतावरी घृत से नेत्र तर्पण कराएं। धारण काल कम से कम 10 मिनट तक। नेत्र धारा, पहले नेत्र धारा करें वो इसी तेल से या इसी घृत से, और फिर इसके बाद विडालक, त्रिफला, मुलहठी और गिलोय, त्रिफला, मुलहठी और गिलोय, इनका बारीक चूर्ण करके लेप तैयार कर लें और विडालक क्रिया करें। विडालक मतलब है आँख बंद करके और ऊपर नीचे पलकों के उसमें ये जो आपने लेप तैयार किया है उसको लगाना है, और कम से कम 1 घंटा तक लगा रहना चाहिए। तो सबसे पहले नेत्रधारा, विडालक और नेत्र तर्पण ये कराएं। और नस्य, नस्य भी इसके लिए उपयोगी रहेगा। नस्य में इंद्रिय वर्धक या अणुतैल, इनका प्रयोग करें। अणुतैल 2 दिन और तीसरे दिन षड बिंदु तैल, ऐसा 21 दिन का कोर्स रोगी में करें। इसके अलावा सप्तामृत लौह और प्रवाल पृष्टि, सप्तामृत लौह 250 मिलीग्राम, प्रवाल पृष्टि 250 मिलीग्राम, सुबह शाम शहद के साथ या च्यवनप्राश के साथ रोगी को दे रहे हैं। डॉक्टर विकास महाजन, डॉक्टर विकास महाजन ने पूछा है कि अवपीड़न में गीली औषधियों के सुरस का भी प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में गीली औषधियों के सुरस का ही प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अब पिपली अब मिलेगी नहीं, अजवाइन हमेशा मिलेगा नहीं, शिग्रु कब मिल भी सकता और नहीं भी मिल सकता, विडंग, वचा, ये सब शुष्क ही प्राप्त होते हैं। इसलिए अक्सर मैं उनको बोलता हूँ कि एक दिन पहले 2 चम्मच चूर्ण को भिगो के रख दें और प्रातःकाल मसल करके आप औपीड़नस दे सकते हैं। लेकिन जैसे दूरवा सुरस मिल जाता है, अनार, अनार का यदि देना है नस से वो मिल जाता है, तो जो चीज़ अगर ताजी मिल जाए तो ताजी तो ज़्यादा ही श्रेष्ठ है औपीड़न के लिए। डॉक्टर आशीष सोमवाल, इन्हें रेक्टल प्रोलेप्स, पहले देख लें कि रेक्टल प्रोलेप्स होता क्यों है। या तो गुदा की मांसपेशियां बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं, उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा, निरंतर कॉन्स्टिपेशन रोगी को हो और बार बार वो प्रेशराइज करता रहता हो तो प्रोलेप्स हो सकता है। इसलिए पहला तो काम ये करें कि पेशेंट को ताकत न लगानी पड़े, ऐसा नित्य प्रतिदिन कुछ रेचक औषधियाँ देवें। इसके लिए कैस्टर ऑयल डेली 20 ml दुग्ध के साथ देवें, या एरन भ्रष्ट हरित की आधा चम्मच रात्रि को सोते टाइम या प्रातःकाल इसका सेवन कराएं, ताकि या अमलतास गुदा करीब 20 ग्राम लेके 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पका लीजिए और उतार के छान के इसका सेवन आप खाली पेट में कराएं। तो प्रेशराइज नहीं करना पड़ेगा, ये मुख्य ध्यान है। और फिर जब प्रोलेप्स होए तो हाथ के द्वारा ऊपर उसको उठा दीजिए, और बाजार में चांगेरी घृत उपलब्ध है उससे डूसिंग करिए। चांगेरी घृत ना हो तो मूसक तेल आप खुद बना सकते हैं, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। या फिर जात्यादि तेल या जात्यादि घृत, इनसे गुदा में डूस लगाना चाहिए। इरमनारी तेल की वस्ती भी दे सकते हैं, 30 ml इरमनारी तेल या जात्यादि तेल आप मात्रा वस्ती के रूप में इसका प्रयोग करें, इसमें निश्चित रूप से लाभ होगा। इसके अलावा इस स्फटिका जल से या त्रिफला क्वाथ से अवगाह करें, इससे भी रोगी को लाभ प्राप्त होगा। और दूसरी, ऐसी सवारी न करें जिससे एनस में उत्तेजना हो या एनस में क्षत हो, इतना ध्यान आप रखें।
डॉक्टर रितु मिश्रा, ओवरवेट और फैटी लीवर ग्रेड टू की चिकित्सा के बारे में जानना चाहा है। ओवरवेट का ट्रीटमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो फैटी लीवर है उसका भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर संभव हो तो वमन विरेचन कराएं। वमन विरेचन कराने के पश्चात फिर लेखन वस्ति देवें। त्रिफलाक्वाथ गोमूत्रम क्षौद्रक्षारम समन्विता उष्काधिपतिवापाह वस्तयो लेखना है स्मृता। कई बार हम लेखन वस्ति की चर्चा कर चुके हैं। कई बार वमन विरेचन के लिए तैयार नहीं होता पेशेंट, तो सिर्फ लेखन वस्ति ही आप लगा सकते हैं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊँ, लेखन वस्ती लगाने से पेशेंट बोलता है हल्का हो गया मेरा शरीर, मैं अब जो है चल अच्छा पाता हूँ, मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन वेट में बहुत परिवर्तन नहीं आता। लेकिन वमन विरेचन के बाद यदि लेखन वस्ती आप कराते हैं तो 100% पेशेंट में वजन में भी कमी होती है और अन्य लक्षणों में भी लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा इसमें मेदो हर गुगुलू गोक्षुरादि गुगुलू दो दो गोली दिन में दो बार, चरक की एक टैबलेट आती है टैबलेट ओबेनिल दो दो गोली दिन में तीन बार देवे, और चूर्ण भी एक तैयार करें लेखन चूर्ण जिसमें त्रिफला विडंग गिलोय बराबर बराबर मात्रा में चूर्ण तैयार कर लें और एक एक चम्मच दिन में तीन बार इसका प्रयोग करें। तीन बार खाली पेट में प्रयोग करें तो निश्चित रूप से वेट लॉस में और जो लीवर बढ़ गया है फैटी लीवर है उसमें भी आराम मिलता है। इसके अलावा आरोग्य वर्धनी लिफ 52 एमली की और DS इनका भी प्रयोग रोगी में करना चाहिए। डॉक्टर KN गंगवार, इन्होंने स्कुमोरल नोड फॉर्मेशन विद मल्टीपल वर्टिब्रा ग्रेड फर्स्ट रेट्रोलेस्थियसिस एट L4-L5 के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। इसको हम इंटरवर्टिब्रल हर्निएशन भी कह सकते हैं, प्रोट्यूजन ऑफ द कार्टिलेजेस ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन विथ पेन। रोगी को उठने बैठने में चलने में बड़ा कठिनाई होती है, काफ़ी तकलीफ होती है, नंबनेस हो जाता है। ऐसी अवस्था में सबसे पहले रोगी का विरेचन कराएं ताकि सैक्रल प्लेक्सस रिलैक्स हो जाए। विरेचन वैसे भी वातव व्याधियों में मृदु विरेचन करने का उल्लेख है, तो इसमें आप विरेचन कराएं। बेटर हो कैस्टर ऑयल से एरन तेल से 50 ml एरन तेल और 50 ml दुग्ध प्रातःकाल दे करके विरेचन कराएं। विरेचन करने के पश्चात इसमें वस्ति बहुत उपयोगी होती है। वस्ती में एरन्नमूल आदि वस्ती ध्रुव के रूप में, अनुवासन के रूप में सहचर वस्ती 30 ml 16 वस्तियों का कोर्स लगाइए। साथ में कटिवस्ती जहाँ पेन हो रहा है, जहाँ हर्निएशन है, उसको केंद्र बिंदु बना करके चारों तरफ उड़द दाल का घेरा बनाए और कटिवस्ती लगाए। कटिवस्ती भी यहाँ पर निर्गुंडी तेल और मुरुवन्ना तेल दोनों को मिला करिए। मुरुवन्ना और निर्गुंडी 100 ml ले लें और इसका कटिवस्ती करें लगातार, फॉलोड बाई पत्रपिंड। कटिवस्ती करने के पश्चात पत्रपिंड भी रोगी में करें, इससे रोगी को तत्काल आराम प्राप्त होता है। मान लीजिए 11 दिन आपने कटिवस्ती किया तो 11 दिन ही जानू धारा करें। जानू प्रदेश में जो नस्य के लोटे हैं उसमें तेल भर करके और धारा जानू में देवें, फिर कलेक्ट कर लें स्नेह को, गर्म करें, फिर धारा देवें। ऐसे 11-11 दिन के कोर्स 2 या 3 पेशेंट में करें, तब इसमें लाभ प्राप्त होगा। हर्नियेशन में कई बार पेशेंट में जो पृष्ठ भाग है उसमें सूजन आ जाती है, ऐसी अवस्था में सैंधवाद तेल का कटिवस्ती करना चाहिए। औषधियों में आम वातारी रस 250 mg, बृहद वा चिंतामणि 60 mg,
महावाद विध्वंसन 125 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है, ऐसे दिन में दो या तीन मात्राएं दें। इसके अलावा महायोग राज गुगुलू, दो दो गोली दिन में दो बार। महारास नादी क्वाथ 30 ml और 20 ml इसमें कैस्टर ऑयल मिला करके प्रतिदिन भोजन के एक घंटे के बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। इससे भी रोगी को आराम, बिल्कुल लगातार आपको तीन महीना ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा, पेशेंट में निश्चित रूप से इसमें आराम प्राप्त होता है। डॉक्टर आशीष सैमुअल, इन्होंने अल्सरेटो कोलाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। ये भी बड़ी असाध्य कृच्छसाध्य व्याधि है, इसमें पिच्छावस्ती का प्रयोग सबसे अच्छा है। पिच्छावस्ती में इसमें द्रव्य कौन कौन से लेंगे, इसमें शतावरी 20 ग्राम, 20 ग्राम मुलहटी, 20 ग्राम धनवंकुर जवारा, धनवंकुर जिसको बोलते हैं, और बेर के पत्ते मिले 20 ग्राम, ये ले लेवे, इनका काढ़ा बना लें। काढ़ा बनाने के बाद काढ़ा लगभग 400 ml और इसमें फिर 200 ml दूध डाल करके खीर पाक कर लें। दूध शेष रहे तब तक इसको पाक करें और इस दुग्ध में पंचतिक्त घृत 50 ml शहद 50 ml डाल करके ये पिच्छावस्ती देवें। इससे रोगी को तत्काल आराम प्राप्त होता है। लगातार 21 दिन के कोर्स, दो तीन कोर्स इसमें करें। इसके अलावा शतावरी, मुलहठी 100 ग्राम और 20 ग्राम मंडूर भस्म, इन तीनों को मिला करके एक एक चम्मच दिन में तीन बार रोगी को सेवन कराएं। इसके अलावा सूत शेखर रस 250 मिलीग्राम, बोल परपटी 250 मिलीग्राम, मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम, इसको दिन में दो या तीन बार या चार बार शहद के साथ या चवनप्राश के साथ इसका सेवन कराएं। और मैंने परपटी कल्प भी बताया है, परपटी कल्प भी कम से कम 20 दिन का कोर्स करा दीजिए। पंचामृत परपटी का प्रयोग करें, प्रथम दिन 100 mg, बढ़ाते जाएं 10 दिन तक तो ये 1000 mg हो जाएगा 10वें दिन, और 11वें दिन से कम करना चालू कर दें 900 mg, 800, और धीरे 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 वो 20वें दिन 100 mg की मात्रा आ जाती है। 20-20 दिन के परपटी कल्प अगर दो कोर्स करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक कोर्स करने के बाद 7 दिन वेट करें और फिर दूसरा कोर्स करें। और पेशेंट को खाने पीने में बहुत परहेज रखना चाहिए, तली मली चीज़ें, खट्टी चीज़ें, मिर्ची, बेसन, फास्ट फूड, जंक फूड ये बिल्कुल नहीं सेवन कराना है। सिर्फ दलिया में पेशेंट को रखें, या खिचड़ी या दो रोटी और मूंग की दाल। सब्जियों यदि लेते हैं तो उसमें बिल्कुल मिर्ची और कोई भी किसी भी प्रकार का मसाला उसमें नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे आप ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होगा। श्रीजा अलादि धान्याम्ल कैसे बनाते हैं, तो आप पहले चावल को पका लीजिए। पका हुआ चावल मान लीजिए लगभग 1 किलो है तो इसका तिगुना पानी डाल दीजिए इसमें, और फिर कपड़े से उसका जो मुख है उसको बांध दीजिए और 7 दिन तक इसको रखा रहने दीजिए। 7 दिन के बाद ये फर्मेंटेशन हो जाएगा और जो द्रवांश है उसको निकाल लीजिए। इसको बोलते हैं धान्याम्ल, यानी जितना चावल हो पका हुआ उसका तिगुना पानी डाल करके 7 दिन तक कपड़े से बांध करके सिर मुख को बांध कर रखें। 7 दिन के बाद धान्याम्ल तैयार हो जाता है। ये धान्याम्ल बहुत ही उपयोगी है, लेपों में पड़ता है, इसका सर्वांग धारा, परिच्छेद धारा भी पक्षवध में की जाती है और बड़ा उपयोगी चिकित्सा है इसको। और जितने भी लेप हैं उसमें तो कांजी पड़ता ही पड़ता है, जितने भी लेप आप तैयार करते हैं। डॉक्टर शुभम जैन,
कृमि रोग में वस्ती कौन सी श्रेष्ठ है? वस्ती में आपको बताऊं कि वस्ती अगर आप कृमि रोग में देते हैं तो सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है, औषधियों से अच्छा है, क्योंकि जितनी भी कृमिनाशक औषधियां हैं वो उष्ण तीक्ष्ण वाली होती हैं, कटु होती हैं, लेने में कष्ट होता है, तो वस्ती के द्वारा इसको ठीक कर सकते हैं। और इसमें सर्वश्रेष्ठ है, मैंने आपको बताया था कल, मदन फल, पिपली, विडंग, सहजन और सरसव। मदन फल, पिपली, विडंग, सहजन और सरसव प्रत्येक को 30-30 ग्राम लेकर के योगर्ट कर लें, 8 गुना पानी डाल के काढ़ा बना लें करीब 300 ml, और इस काढ़े में निम्ब तेल 50 ml, शायद 50 ml, सेंधो 5 ग्राम डाल करके ये वस्ती लगातार दें। आवश्यकता पड़ने पर ही अनुवासन वस्ती दें, अन्यथा कृमि रोग में निरोह वस्ती देने का ही प्रावधान है, क्योंकि अगर अनुवासन देंगे तो उससे कृमि बढ़ सकते हैं, क्योंकि तेल देंगे तो निश्चित है स्नेह होता है, स्निग्ध होता है, शीतल होता है, उसमें कृमि के बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा इस कार्यक्रम से निरंतर जुड़ी हुई हैं आदित्य त्रिपाठी जी, जो कि बड़ौदा में हैं, प्रैक्टिस करती हैं, डॉक्टर कविता शर्मा जी, वंदना पाठक जी निरंतर इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं और ज्ञान का आदान प्रदान वो करती रहती हैं, डॉक्टर शुभम जैन, डॉक्टर मोनिका चिटनविस, ये भी शुरू से जुड़ी हुई हैं, पंकज शुक्ला जी, मुबिन मुल्ला जी, विनय मित्तल जी, राज अग्रवाल, आनंद आयुर्वेद, अनुराग अहिरवार, शिल्पा पालस्कर, उषा तभानी, भूखिया रवि, शैलेश भलाला, सोनल पटेल, अर्चना जायसवाल, ज्योति बाला डामोर, राजेंद्र कुंद्रा, महेंद्र चतुर्वेदी, वरिष्ठ चिकित्सक हैं बॉम्बे में, उनका बहुत बढ़िया कंसल्टेशन चैम्बर है, गौरव शाह जी, योगेश महाजन जी, मुकम्बिका रचना, नवीन जोशी, जो इस कार्यक्रम के प्रेरक हैं, निरंतर कैटलिस्ट का काम करते रहते हैं, डॉक्टर या वैद्य आरबी प्रजापति जी, पवन जोगी जी, आर सिंह चहल, अरुण शर्मा, बनीता शर्मा जी, मुकम्बिका रचना, आनंद मिश्रा जी, और मेरे प्रिय उज्जैन में प्रोफेसर हैं रोग निदान में, डॉक्टर अजय कीर्ति जैन जी, संजय जी, हेमलता जी एस, ओम प्रकाश शर्मा, सुनील रातुरी जी, विजय लक्ष्मी जी, जैसे हमारे विद्वत चिकित्सक इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। आज आइए ब्रक्कशूल, ये भी एक आत्यक अवस्था है, जब कभी भी यूरेटर में अश्मरी रुक जाती है तो भयंकर वेदना होती है उस समय, और ये वेदना लगभग 1 घंटा तक, 2 घंटे तक भी चल सकती है, काफ़ी तकलीफ होती है। जैसा कि आप जानते हैं यूरिनरी सिस्टम में विशेष रूप से 4 अंग होते हैं, किडनी, किडनी से यूरेटर निकलते हैं, और यूरेटर के माध्यम से, यूरेटर जो है यूरिनरी ब्लैडर से जुड़े हुए होते हैं, और ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा जुड़ा हुआ रहता है। किडनी में निरंतर यूरिन का निर्माण होता है, वो यूरेटर के माध्यम से, नलियों के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं, और फिर बाद में यूरेथ्रा के द्वारा मूत्र त्याग पेशेंट करते रहता है, ये एक सिस्टम है। सामान्यतः यदि किडनी में कैलकुलस हो तो बहुत ही मंद ज्वर होता है, फंडस में हो कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन यूरेटर में आ गया तो वहाँ बहुत ही भयंकर वेदना होती है, और कई बार तो यूरेथ्रा में भी आ सकता है, उस अवस्था में रोगी को बहुत ही वेदना होती है। व्हेन अ स्टोन बिकम इंपैक्टेड इन द यूरेटर एन अटैक ऑफ रीनल कॉलिक डेवलप्स, जब कभी ज़्यादातर यूरेटर में यदि अश्मरी आ जाए तो बहुत ही तकलीफ रोगी को होती है। ब्रक्कशूल
मूत्रवाह स्रोतस की सबसे प्रधान आत्यक व्याधि है। इसका तत्काल इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करना पड़ता है। यह प्रायः अश्मरी के द्वारा मूत्रमार्ग अथवा मूत्रवाहिनियों में अवरोध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। इसमें उदर में तीव्र शूल होना स्वाभाविक है। रोगी अत्यंत बेचैन हो जाता है। यह स्थिति कुछ क्षणों से लेकर कुछ घंटों तक रह सकती है। इसकी निदान और संप्राप्ति क्या हो सकती है? वृक्कशूल का प्रमुख निदान रीनल कैलकुलस है। जैसा कि आप जब जानते हैं, रीनल कैलकुलस है। वातकारक आहार विहार का अधिक सेवन करने से वायु का प्रकोप होता है और यह वायु पित्त कफ शुक्र एवं मूत्र को दूषित कर धीरे धीरे इसको शुष्क बना देती है। परिणामस्वरूप वातज पित्तज कफज और शुक्राश्मरी की उत्पत्ति होती है। अर्थात ये चार प्रकार की अश्मरियाँ होती हैं, वातज पित्तज कफज और शुक्रज। ये अश्मरियाँ यदि किडनी यूरिनरी ब्लैडर अथवा मूत्र मार्ग में कहीं भी रुक जाती हैं तो स्थानिक अवरोध के कारण रीनल शूल या रीनल कॉलिक की उत्पत्ति होती है। खासतौर से यूरिटर में जब कैलकुलस आ जाता है तो बहुत ही अत्यंत तकलीफ रोगी में होती है। इसका जो प्रमुख लक्षण है डायग्नोस्टिक, वह है वृक्कशूल के नाम से प्रथम या पृथक से व्याधि का वर्णन शास्त्रों में उपलब्ध नहीं होता है, परंतु वातिक अश्मरी के लक्षण वृक्कशूल के कुछ लक्षण से मिलते जुलते हैं। आचार्य सुश्रुत द्वारा वातव्याधि प्रकरण में वर्णित तूणी रोग के लक्षण भी वृक्कशूल से मिलते हैं। अधो या वेदना वाति वर्चो मूत्रा से उचिता भिन्नंति गुदोपस्तम से तूनी नाम नामता। ये पुरुष यानी पक्वासे से नीचे की ओर वेदना आती है, ऐसे को तूनी रोग कहा गया है और यही लक्षण वृक्कशूल में उपलब्ध होते हैं। तो ये दो डिफरेंसेस हैं जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि तूनी को भी इसका नाम दिया जा सकता है और वाता जश्मरी के लक्षण काफ़ी कुछ वृक्कशूल से मिलते हैं, तो इनकी तुलना हम कर सकते हैं। अब आइए लक्षण जो इसके होते हैं वो देख लें। तीव्र उदरशूल, सीवियर एब्डोमिनल पेन, प्रायः उदर के नीचे भाग में ज़्यादा वेदना होता है। वृक्कशूल में वेदना कटिप्रदेश के ऊपरी पार्श्व भाग से प्रारंभ होकर वंक्षण एवं वृषण कोष तक तीव्र वेदना होती है और इस वजह से रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाता है। डिस्यूरिया, कठिनाई से अल्प मात्रा में मूत्र प्रवृत्ति, कुक्षिगत वेदना, तृष्णा और रेस्टलेसनेस। रोगी बड़ा शिथिल पड़ जाता है, अत्यधिक पसीना आता है, वोमिटिंग हो सकती है, पेट फूल जाता है जिसको हम आध्वान कह सकते हैं, और कई बार हिमीचूरिया, क्योंकि यूरेटर को या यूरेथ्रा को क्षत कर देती है अश्मरी और उसकी वजह से रक्त मूत्र में आने लगता है और इसकी वजह से फिर रोगी को फीवर भी आ सकता है। आइए चिकित्सा के बारे में विचार करें। तो सबसे पहले निदान परिवर्जन, ऐसे आहार विहार जो रुक्षता बढ़ाते हों शरीर में वो न खाएं, और उसके पश्चात फिर लोकल स्नेहन और स्वेदन, इससे रोगी को बड़ा आराम मिलता है। हॉट वाटर बैग से सेक करें या पत्रपर्ण से सेक करें स्नेहन करने के पश्चात, और वातनाशक चिकित्सा इसमें करना पड़ेगा और डायूरेटिक ट्रीटमेंट मूत्र विरेचनीय औषधियाँ हमको देना पड़ेगी। इसके अलावा अश्मरी नाशक चिकित्सा भी करेंगे, आगे चर्चा करेंगे, और इसमें उष्ण कटि स्नान अवगाह स्वेद कटि प्रदेश में कराएं, इससे बहुत ही आराम मिलता है, और गरम गरम पेय पर्याप्त मात्रा में द्रव पदार्थ तरल पदार्थ का सेवन कराएं, जैसे गन्ने का रस, फलों का रस, और जो लक्षण मिले अर्थात लक्षण चिकित्सा भी रोगी में करें। औषधियों में जो मेरा अनुभव है वो मैं आपको बताता हूँ।
त्रिविक्रम रस, त्रिविक्रम इसमें पारद, गंधक और ताम्र होता है, ये बहुत ही उपयोगी रस औषधि है। त्रिविक्रम रस 125 मिलीग्राम, पाषाण बज्रक रस 125 मिलीग्राम, चंद्रकला रस 125 मिलीग्राम। इसको दिन में 3 बार शहद के साथ या आंवले के मुरब्बे के रस के साथ भी इसको दिया जा सकता है दिन में 3 बार। दूसरा एक योग है वरुणाद्य लेह, वरुणाद्य लौह 250 मिलीग्राम, हजुरल यहूद 250 मिलीग्राम और श्वेत परपटी 250 मिलीग्राम। ये भी अधिक मात्रा में शहद के साथ लेवें, क्योंकि श्वेत परपटी क्षार है, कलमी शोरा पड़ता है, कई बार मुख में स्फोट हो सकते हैं, तो शहद के साथ, ज़्यादा शहद के साथ लेना चाहिए। टैबलेट में चंद्र प्रभा बटी और ब्रक शूलांतक बटी 2-2 गोली दिन में 3 या 4 बार गर्म पानी की दें। इसे तत्काल वेदना में रोगी को आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा शिलाजित्यादि बटी, गोक्षुरादि गुल 2-2 गोली दिन में 2 बार, चूर्णों में एलादि चूर्ण और गोक्षरादि चूर्ण 5 ग्राम, एलादि और गोक्षरादि चूर्ण 5 ग्राम, दिन में 2-3 बार इसका सेवन कराएं। इसके अलावा एक अनुभूत योग, पाषाण भेद, ककड़ी बीज और यवक्षार, पाषाण भेद, ककड़ी बीज और यवक्षार बराबर बराबर मात्रा में चूर्ण तैयार करें और 1-1 चम्मच दिन में 3 बार गर्म पानी, कुनकुने पानी से इसका सेवन कराएं। क्वाथ में वरुणादि क्वाथ बहुत ही फेमस है, वरुणादि क्वाथ भी दिन में 3-4 बार 1-1 कप सेवन कराएं। एक आता है अश्मरी हर कसाय, वो वरुणादि क्वाथ के ही समान है, तो दोनों में से कोई भी आप दे सकते हैं। मूत्र की मात्रा बढ़ाना है तो तृण पंचमूल क्वाथ इसका सेवन कराएं खाली पेट में। इसके अलावा 2 औषधियाँ बड़ी फेमस हैं, वरुण और शिग्रु 100-100 ग्राम लेकर योगकुट कर लें और इसका काढ़े का सेवन खाली पेट में 2 बार या 3 बार इसका सेवन कराएं। वरुणादिघृत 20 ग्राम की मात्रा में संशमनार्थ भोजन के आधा घंटे पहले सुखोष्ण के साथ गर्म करके इसको देना चाहिए, तो शरीर की जो रुक्षता है वो कम हो जाती है। तृण पंचमूल क्वाथ से बस्ती ये भी उपयोगी है, तृण पंचमूल क्वाथ या वरुणादि क्वाथ या दोनों ले लें 50-50 ग्राम और इसका 300 ml काढ़ा बनाएं। इसमें यवक्षार 10 ग्राम, गोमूत्र अर्क 50 ग्राम, शहद 50 ग्राम और इसकी निरूह बस्ती देवें। एक और आपको जानना चाहिए कि कैलकुलस से बनते क्यों हैं, अश्मरी पैदा क्यों होती है, तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिज्म के डिस्टरबेंस से जो पदार्थ का पचन होना चाहिए वो नहीं हो पाता, बाय प्रोडक्ट बीज के पैदा हो जाते हैं और उसका कलेक्शन धीरे धीरे किडनी में होने लगता है। 75% जितने भी कैलकुलस होते हैं वो कैल्शियम बेस्ड होते हैं, इसलिए कैल्शियम की मात्रा तत्काल कम कर देना चाहिए। 15% स्ट्रोवाइट के कारण होते हैं और ओनली 5% यूरिक एसिड से पथरियाँ बनती हैं और 1% सिस्टीन नामक तत्व होता है उससे बनती है, लेकिन ज़्यादातर 75% कैल्शियम बेस्ड अश्मरी बनती है, इसलिए जिसमें ज़्यादा कैल्शियम हो उसका सेवन ना करें। जैसे पालक हैं या अन्य भाजियां हैं जिनमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है उसका सेवन पेशेंट को ना कराएं, भिंडी का सेवन भी इसमें नहीं कराना चाहिए। इस तरीके से कुछ चर्चा आपके सामने ब्रकशूल जो कि एक आत्यक रोग है, रीनल कॉलिक, उसके बारे में आपसे चर्चा की। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर इसी समय 4 बजे उपलब्ध होंगे आपके सामने, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार और जय आयुर्वेद।